नहीं तो क्या उतारा गया। क्या क्या पप्पू जी ये बताइए, आपकी लोकप्रियता की वजह से लालू यादव अपने बेटे की राह में आपको कांटा मानते हैं, क्या ये वजह है? क्योंकि आप भी तो एनडीए का ही रास्ता रोकना चाहते थे ना, आपकी वजह से कम सीमांचल में, कोसी में महागठबंधन मजबूत होती, कमजोर तो नहीं होती। अब सवाल यह उठता है कि आपके बगल में अररिया हार गए वो लोग, अररिया आप जीत सकते थे अगर एक साथ काम करते तो। किशनगंज में भी बड़ी क्लोज लड़ाई हुई, यहां तक कि कटिहार में भी बड़ी क्लोज लड़ाई हुई। मैं सीधा सा सवाल पूछता हूं और यह सवाल मुझे लगता है कि पप्पू यादव दिल से जवाब देंगे, दिमाग से नहीं, कि क्या आप और कन्हैया को दूर रखा गया बिहार से, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव के रास्ते में आप बाधक होंगे? देखिए मैं दिल से ही जवाब देता हूं, मेरे पास दिमाग होता ना तो हम बहुत पहले सीएम, बहुत पहले बहुत कुछ बन गए होते। हम दिमाग से कभी नहीं चले, दिमाग से चलते तो हम भी राजनीति करते, हमें राजनीति नहीं आई और हम राजनीति करेंगे भी नहीं और राजनीति हमें आएगी भी नहीं, ये मुझे नहीं लगता। हम जो मेरा जो इमेज है, जो आइडेंटिटी है, जो आइडियोलॉजी है, सेवा की, मदद की, संघर्ष की, वो मैं मेंटेन करूंगा। उसके अलावे जो बिना जात धर्म की जो हमारी सीधा लड़ाई है वो उसको मैं, मेरी लड़ाई है विकास की, मेरी लड़ाई है आम आदमी के रोजगार की, उसकी खुशियों की, उसके लिए जीने की, 3 बजे तक मैं काम करता हूँ। लेकिन सही बात आपने कही कि मधेपुरा है, सुपौल है, अररिया है, झंझारपुर है, एक सीट की बात नहीं है, 2 सीट की बात नहीं है। अररिया हम हार जाए, मधेपुरा हार जाए, सुपौल हार जाए, खगड़िया हार जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। फर्स्ट चरण, सेकेंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण, फिफ्थ चरण तक एक भी सीट वो चुनाव नहीं जीतते, हार जीती। 7 चरण में जाकर के तब वो चुनाव जीतते हैं जब वो कन्हैया सिंह के कारण कुशवाहा का वोट इंडिया को शिफ्ट करता है और 7वें बार राहुल गांधी प्रिया को प्रणाम जब 2 सीट पर लगता है, वो भी पाटलिपुत्रा में, आरा में, यानी ये दोनों न लगी होती और कुशवाहा का वोट शिफ्ट नहीं करता और माले का जनाधार उस इलाके में नहीं होता, 1 MLA 2 MLA नहीं होता, तो आप जान लीजिए कि ये 5 सीट चुनाव नहीं आती। यदि राहुल, आप बिहार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दूर रखें, क्यों भाई क्यों दूर रखें? जहां जहां राहुल गांधी गए वहां वहां चुनाव आप जीते, लोग राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के रोड शो को देखना चाहते हैं। आप जहां पर अखिलेश, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कलेक्टिव थॉट के साथ आगे बढ़ा, आप उठा के देखिए 27 सभाएं की, जहां उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार कलेक्टिव सोच के साथ चले, जहां राहुल गांधी जी ने एक 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 विचार रखा संविधान का, लोकतंत्र का, उस पर वो अड़े रहे, तो हिंदुस्तान का जो दलित है, ST SC है, वो कंप्लीट इसको महसूस किया कि सही माने में ये लोग पहले भी एजुकेशन को लेकर, रोजगार को लेकर, प्रमोशन को लेकर, आरक्षण को लेकर, जाति जनगणना को लेकर, ये लोग हर चीज में सुप्रीम कोर्ट